तो गाइज देखो, ये है हमारी RC 200। आज हम इसके करने वाले हैं डिस्क पैड चेंज। ये हमारे डिस्क पैड, ये फ्रंट डिस्क पैड है हमारी 355, 355 रुपये की, और ये रियर डिस्क पैड है 238 रुपये की। दोनों हम अपने से चेंज करेंगे, तो देखते हैं कैसे कैसे चेंज होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। तो सबसे पहले हम ये वाली क्लिप निकालेंगे। इधर भी एक पिन होती है, इसमें नहीं है, तो उसको भी निकालना है। सिंपल प्लास से पकड़ना और ऊपर खींचना है इसको। ये है हमारे डिस्क पैड, अब इनको हम निकालेंगे बाहर की साइड। हिला हिला के थोड़ा बाहर की साइड को खींचना है इनको। कुछ नहीं होता, और इनमें बस सिंपल बाहर साइड खींचो, पीछे वाली कील निकाल के। एक बाहर आ गया और ये दूसरा भी। तो ये है हमारे पुराने डिस्क पैड, ये है हमारे नए वाले डिस्क पैड, एकदम ओरिजिनल। ये वाले लगाने के लिए पहले आपको जो ये मास्टर सिलेंडर है, इसको आपको अंदर करना होगा। तो इसको हम पुश करेंगे पेचकस से, हम इसको अंदर दबाएंगे। तो देखो, ये वाले डिस्क पैड हो गए एकदम रेडी, पूरा मोटे मोटे दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं आगे वाले डिस्क पैड की तरफ। आगे वाले की कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ क्या है, और चेंज करने के बाद क्या है। ये जो चेंज होंगे आपके, ये पीछे की साइड से चेंज होंगे इधर से। तो इस वाले डिस्क पैड में भी ये पिन है, हम इसको निकालेंगे। पिन बाहर, हाँ। तो पिन निकालने के बाद में ये हमको 4 नंबर ही एलन की से ये वाला नट खोलना है। यहाँ से ये एलन की बोर्ड ऐसे। फिर इसको निकालने के बाद लॉक आ गया इसका बाहर, इसका लॉक, और जो डिस्क पैड है वो ऊपर खींच लेना है। ये डिस्क पैड पुराने वाले, ये इसके नए वाले डिस्क पैड। वाओ, ये पुराने ये नए, कितना ज़्यादा डिफरेंट है। अब इनको लगाएंगे, इसमें भी सेम वही काम करना है। इसमें दोनों साइड सिलेंडर होते हैं, तो दोनों सिलेंडर को हम बंद करेंगे, मतलब पीछे की साइड पुश करेंगे। पहले इसका प्रेशर लूज़ करेंगे ऊपर से। गली गली मेरी लौ चली डाऊ जियो रे बाबू।
या बनाओ। अगर ये कैलिपर से मतलब ये मास्टर सिलेंडर अंदर करने के लिए बस दोनों अंगूठों से ऐसे प्रेस कर दो, धीरे धीरे दोनों अंदर पहुंच जाएंगे पूरे, चारों साइड से प्रेशर पड़ेगा इक्वल तो बहुत आसानी से अंदर हो जाएंगे। ऊपर से प्रेशर लूज कर लेना।